जी हाँ, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऑप्टोमेट्री पढ़ने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आई रिसेंटली रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम अ सब्सक्राइबर आस्किंग मी व्हाट टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग देयर बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री एंड ऑल्सो टेलिंग मी दैट दे फील चैलेंज्ड टू परस्यू अ करियर इन ऑप्टोमेट्री। इन टूडेज वीडियो वी विल एक्सप्लोर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज इन एन ऑप्टोमेट्रिस्ट करियर। मुझे कई बार सुनने को मिलता है कि एक ऑप्टोमेट्रिस्ट बस असिस्टेंट बनकर रह जाता है या फिर उसे किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर के साथ जुड़कर काम करना होता है। लेकिन मेरे अनुसार ऑप्टोमेट्री एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और आपको बहुत ही इंडिपेंडेंट बनने में मदद करता है। इसको करने के बाद आपके पास प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस डिटेक्ट करने के स्किल्स आ जाते हैं। आप लोगों को अंधा होने से रोक सकते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर्स के वजह से कई लोग अपनी दृष्टि खो बैठते हैं। कैटरैक्ट और ग्लॉकोमा डायग्नोस करके कितनों की दृष्टि बच सकती है। आप ट्राई केस, रेटिनोस्कोप और विजन चार्ट उठाकर किसी भी छोटे गांव में जाकर उनकी तकलीफों को दूर कर सकते हैं तुरंत बिना किसी और पर निर्भर रहे। आपके पास स्पेशलिटी कॉन्टैक्ट लेंसेज डिस्पेंस करने का स्किल होता है। आपके पास बाइनोक्युलर विजन प्रॉब्लम्स और स्क्विंट्स को दूर करने के स्किल्स होते हैं। ये सब स्किल्स को लेकर आप तुरंत ही अपने समुदाय की मदद कर सकते हैं। आप एक लो विजन एक्सपर्ट बनकर कई सारे हताश लोगों के जीवन में रोशनी वापस ला सकते हैं। क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स और मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने के ढेरों ऑप्शंस हैं आपके पास। आप अपनी खुद की प्रैक्टिस को डेवलप कर सकते हैं जिसमें ना सिर्फ रिफ्रैक्टिव एरर्स को चश्मे के साथ ट्रीट करना बल्कि कॉन्टैक्ट लेंसेज और खास तौर से स्पेशलिटी कॉन्टैक्ट लेंसेज भी डिस्पेंस कर सकते हैं। RGP, स्क्लेरल, रोज के, ऑर्थो के लेंसेज, कई सारे स्पेशलिटी लेंसेज की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाइनोक्युलर विजन थेरेपीज आप दे सकते हैं। कई सारे लोगों की दृष्टि बेहतर की जा सकती है बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के, केवल विजन थेरेपी एक्सरसाइजेस की मदद लेकर। ये सब आप एक ऑप्टोमेट्रिस्ट के रूप में सीखते हैं और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अन्य कुछ कोर्सेज या डिग्रीज करके ऑक्युलरिस्ट भी बन सकते हैं। जी हाँ, बहुत से लोगों के पूरे आईबॉल को इन्यूक्लिएट या फिर निकाला जाता है अलग अलग कारणों के वजह से। उनके लिए आप ऑक्युलर प्रोस्थेसिस बना सकते हैं और उनके चेहरे को फिर से पूरा कर सकते हैं। आपके पास अपनी पढ़ाई पूरी करने का ऑप्शन है। बैचलर्स, मास्टर्स और फिर PhD, इस क्रम में अपनी शिक्षा पूरी करने की आप सोच सकते हैं। शिक्षा का उच्चतम स्तर प्राप्त करना प्रशंसनीय है। It is commendable to achieve the highest possible level of education. In order to improve your skills as an optometrist, you can consider doing fellowships at clinics or hospitals. This will help you in enhancing your own practice as well. Optometrists या फिर optometry के students के लिए कई सारे महत्वपूर्ण points Mr. Baman Bharucha ने हमारे साथ पहले कुछ videos में बांटा है। मैं उनके links नीचे description box में डाल देता हूँ ताकि आप उन्हें भी देखकर प्रेरित हो सके। There is good news in store about optometrists because there are fresh recognitions and regulations on their way in the form of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill 2020, which was introduced in Rajya Sabha by the Minister of Health and Family Welfare at that time, Dr. Harshvardhan, on September 15, 2020. It was passed by the Rajya Sabha on March 16, 2021 and by the Lok Sabha on March 24, 2021. The bill seeks to regulate and standardize the education and practice of allied and healthcare professionals. An optometrist is currently placed under the wider umbrella of ophthalmic sciences professional. However the bill unfolds, it was a moment of joy for every optometrist to see the profession recognized by the bill. इसी के साथ हम वीडियो को यहां पे खत्म करेंगे। आशा है कि आप सक्सेसफुल रहें आपके सभी कार्यों में। धन्यवाद।